Now we continue our exercise 8.1 solution. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये चीज देखिए मेंशन है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेंशन. तो हमें एरिया जो भी चाहिए वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, रीजन का एरिया लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके पीछे क्या है. एक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि y इक्वल टू हमारा fx कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है मान लीजिए ये, और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी ऑर्डिनेट्स हैं. तो ये हमारा इस तरह से हम एरिया इसका कैलकुलेट करते थे. ओके ये हमने सीखा था. तो बाई यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज y dx एंड द बिटवीन द ऑर्डिनेट्स a टू b हमारा ये लिमिट हो गई किसकी, x की. ओके नाउ अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हमारा कर्व है, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4. यानी कि अब देखिए सिचुएशन किस तरह की है. सिचुएशन इस तरह की है कि आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कर्व बनाया है. तो ये कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा. अगेन ऑफ कोर्स इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. सो y इक्वल टू 2, तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा कर्व हुआ. और y इक्वल टू 2 कहाँ होगा, तो y इक्वल टू 2 ये लाइन होगी. और y इक्वल टू 4 लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी. एंड द y एक्सिस, यानी कि ये y एक्सिस को भी लेने को कह रहा है. एक तो ये ले लेगा, ये कर्व ले लेगा, और क्या ले लेगा, y इक्वल टू 2 ले लेगा और y इक्वल टू 4 ले लेगा. तो एरिया जो होगा हमारा, ये टोटल एरिया हमारा होगा जो रीजन बाउंडेड होगा इस कर्व से, दो लाइन से y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और y एक्सिस से, ये पूरा हमारा रीजन बाउंडेड. लेकिन वो कह रहा है कि आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट करना है. लुक एट दिस वन, ओनली दिस एरिया आई नीड. सो आई नीड दिस एरिया. सो ये तो लाइन हमारी y इक्वल टू 2 हुई, ये y इक्वल टू 4 हुई. अब देखिए इसमें स्ट्रिप कैसे आएगी. देखिए एक स्ट्रिप होती है ये वाली, इसको मैं बोलता हूँ खड़ी. ये है खड़ी स्ट्रिप, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये है खड़ी स्ट्रिप. और ये वाली स्ट्रिप जो है वो है पड़ी. खड़ी और पड़ी में क्या फर्क है, देखिए यहां पर देखिए आपका वैरी क्या होगा, एक्स वैरी होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू एफ वाई इंटीग्रेट होगा, एक्स इक्वल टू एफ वाई इंटीग्रेट होगा. तो हम क्या लिखेंगे, एप्सिसा हमारा सी टू डी. तो मान लीजिए कि हमने सी लिया इस पॉइंट को, डी लिया, तो सी टू डी एक्स डी वाई. ओके नाउ तो इसको हम इसमें कैसे लिखेंगे, अगेन आई विल मेक दिस वन दैट ए बी सी डी. तो हमें क्या होगा, एरिया हमें कैलकुलेट करना है ए बी सी डी ए का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बन रहा है केवल उसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई इक्वल टू 2, इसको ऐसे लिखिए, वाई इक्वल टू 2 टू वाई इक्वल टू 4 और एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू कितनी हुई 4, वाई का अंडर रूट यानी कि 2 रूट वाई डी वाई. सो अगेन 2 हम बाहर निकाल लेंगे, तो वाई रूट वाई डी वाई 2 टू 4. ओके सो 2 से 4 ट्वाइस वाई टू द पावर इंटीग्रेट करेंगे 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2. ओके एंड इंटीग्रेशन लिमिट इज 2 टू 4, सो इट इज 4 बाई 3 4 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 2 टू द पावर 3 बाई 2. सो दिस विल बी 4 बाई 3 एंड दिस वन इज वॉट, 2 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 अंडर रूट 2. सो द आंसर इज 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32 माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज माई फाइनल आंसर. तो हमने क्या किया, बस हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि जब हमारे पास x इक्वल टू एफ वाई टाइप का फंक्शन होगा तब हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. ओके अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स. ओके अब देखिए इलिप्स कैसा होता है, हम इलिप्स से स्टार्ट करते हैं. तो इलिप्स हमारा इस तरह का होता है कुछ. ओके तो ये हो गया.
तो एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। सबसे पहले है, जो यहाँ ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द इलिप्स। तो इलिप्स तो देखिए एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा, तो ये पूरा एरिया इलिप्स से बाउंडेड हुआ। ओके ये कंप्लीट एरिया, होल एरिया जो है वो इलिप्स से बाउंडेड हुआ। तो इलिप्स के हम इसके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो यानी ये पॉइंट हो गया 4,0 और ये हो गया -4,0। ओके एंड सिमिलर वे ये हो गया हमारा 0,-3 और ये हो गया 0,3। अगेन अब देखिए हम स्ट्रिप कौन सी लेंगे, यहाँ पर आप दोनों स्ट्रिप से कर सकते हैं, तो मैं एक केस करके दिखा रहा हूँ। वैसे आप दोनों स्ट्रिप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमें गिवन ही नहीं है कि ये एक्स वेरी करे या वाई वेरी करे, आप दोनों को वेरी कर सकते हैं। तो मैं एक एक्स डी एक्स वाला वेरी कराने का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि ये स्ट्रिप हमारी पूरे उसमें चलेगी और इलिप्स के एरिया को कवर करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको 4 times कर दूंगा तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने इसको नाम दिया ओ ए बी। ओके वैसे हमें ये भी निकालना सी डी, इस तरह से नाम दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 4 times एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ इस तरह से लिखेंगे। तो 4 times इंटीग्रल, अब देखिए स्ट्रिप हमने खड़ी ली है यानी डी एक्स वाली, यानी कि जो लिमिट होगी वो 0 to 4 यानी कि एक्स वाली लिमिट होगी, 0 to 4 हो गई और वाई डी एक्स। तो क्या होगा, 4 times 0 to 4 वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू इससे कैसे कैलकुलेट होगी, वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 - x² / 16 स्क्वायर रूट, और जो 9 उधर जाएगा उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा +3। तो 3 times 1 - x² / 16 ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो y dx। नाउ दिस विल बी 4 times, तो 4 3 = 12 कर सकते हैं इसको, और 0 to 4 इसका एलसीएम लेंगे तो इट इज 16 - x² / 16 का रूट हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा dx। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, इसको लिखेंगे 3 times 4 3 = 12, तो 3 times 0 to 4 16 - x². ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a² - ax² dx का। ये इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट से फॉर्मूला आपको पता होगा। तो 3 times ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x/2 16 - x² लिमिट लगा देंगे इस पोर्शन में 0 to 4 प्लस a² / 2, a² इज 16, तो 16/2 एंड व्हाट, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए क्या है, ए हमारा है 4, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 4 इसकी लिमिट रखेंगे 0 से 4, और फिर इस पूरे में हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 times क्या आ जाएगा, 4 जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 रखेंगे तो भी 0, यानी कि ये वाला टर्म पूरा ही वैनिश हो जाएगा। तो 16/2 हमारा 8 हो गया, और साइन इनवर्स 4/4 माइनस साइन इनवर्स 0 ये हमारा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 × 8 × साइन इनवर्स 1 इज साइन 90 इज 1 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0, देयरफॉर इट इज π/2। ओके सो द आंसर इज 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, so answer is 12π। तो ये आप देख सकते हैं आंसर हमारा 12π हो गया। ओके इन दिस वे हमने इसमें क्या सीखा कि हमने इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये देखा कि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है कि सेकंड क्वाड्रेंट निकालना है। देयरफॉर हम एरिया पूरा निकालेंगे रीजन का, उस पूरे रीजन का निकालेंगे जो हमारा रीजन बाउंडेड होगा by this ellipse। All right, thank you।